जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के अक्टूबर के मंथली राशिफल यानी मासिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों का। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, दाम्पत्य जीवन की स्थिति। 9 घटनाएं वृश्चिक राशि के अक्टूबर के महीने में बन रही है, वो 9 घटनाएँ कौन सी है, इसके बारे में डिटेल इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और ज्योतिषीय दृष्टि से अक्टूबर का महीना मित्रों बहुत खास है। 3 बड़े बदलाव ब्रह्मांड के क्षितिज के अंदर आने वाले हैं। वो 3 बदलाव क्या है वो आपको मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहला बदलाव देखा जाए तो 14 अक्टूबर को देखा जाए तो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट होगा। ये 3 बड़े बदलाव देखा जाए तो अक्टूबर में होंगे। 30 अक्टूबर को बहुत बड़ा बदलाव है यानी 18 साल बाद राहु केतु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, क्या आपने ये वीडियो देखी है, नहीं देखी तो YouTube में Facebook में स्क्रॉल डाउन करके हमने ये वीडियो बना दी, उसको जरूर देखें। चलिए आप अक्टूबर के महीने में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि की ये कुंडली है जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखा जाए चतुर्थ भाव में शनि है और छठे भाव में गुरु चंद्र और राहु एक साथ बैठे हैं। और भाई देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में शुक्र केंद्र भाव में बैठे हैं, जबरदस्त मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र है वृश्चिक राशि को कुछ ना कुछ फायदा देने वाले हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना का सम्मान वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य में होगा। स्वास्थ्य भाव के स्वामी देखा जाए मंगल है, मंगल तुला राशि में है, केतु के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्वास्थ्य के लिए जो 17 दिन है 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक विशेष आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये जो 17 दिन है केतु और मंगल एक साथ 12वें भाव में होंगे तो दर्द की आपको समस्या रह सकती है, हल्की चोट वृश्चिक राशि को रह सकती है, शारीरिक पीड़ा आपको रह सकती है, जिसको चलते हुए आपको 17 दिन के अंदर डॉक्टर पे टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, डॉक्टरी ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ सकता है। यानी ये जो 17 दिन है आपके लिए भारी हैं। 18 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक बिल्कुल फिट एंड फाइन, बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले हैं, यानी ये 17 दिन थोड़े भारी हैं। इसके बाद दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी गुरु अक्टूबर में ऋण भाव में बैठे हैं, यानी धन भाव के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं जो आपके ऋण भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 17 दिन हैं मन में आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि को, वरना आप देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक आप किसी बुरी लत में पड़ सकते हैं और किसी के बहकाव में आके शीघ्र प्रॉफिट के चक्कर में आके कोई सट्टा या कोई मोटा धन कमाने के चक्कर में कहीं पर गलत धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है या फिर किसी की गलत एडवाइस से आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जो 17 दिन है ना, सोच समझ के धन इन्वेस्ट करना है, ये याद रखिएगा। ये जो 17 दिन है आपको सट्टा लॉटरी पे बिल्कुल धन वे ना करें, नहीं तो कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टा आप अपने ऊपर कर्जा बढ़ाएंगे। तो ये 17 दिन आपको सावधानी रखनी है। 18 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए गुरु मंगल का समसप्तक योग बनेगा, यानी मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलेगा और कोई व्यक्ति आपके जीवन में 18 तारीख के बाद आएगा और आपको बड़ी डील कराने वाला है और उस डील से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। लेकिन 17 तारीख तक आपको सावधानी रखनी है, नहीं तो पता चला कि शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वृश्चिक राशि वाले अपना धन कहीं सट्टे जुए में इन्वेस्ट कर देंगे और अपने ऊपर खर्चा और लदवा देंगे। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो अच्छा हुआ ही नहीं हमारे साथ। तो आपको ऐसा कर्म नहीं करना है, हम आपको सतर्क करते हैं। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और उन पे शुक्र की दृष्टि है। अक्टूबर के पूरे महीने
शुक्र और शनि आमने सामने रहेंगे, एक दूसरे पे दृष्टि रहेगी, सम सप्तक योग बनाएंगे। इससे देखा जाए तो घर के अंदर रेनोवेशन कराने वाले हैं आप, यानी घर के अंदर सफ़ेदी का काम, टाइल का काम, या कोई ना कोई हल्की फुल्की या बड़ी रेनोवेशन वृश्चिक राशि वाले कराने वाले हैं। साथ ही साथ आपके परिवार के जो फैमिली मेंबर है, सदस्य हैं, उनमें से कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता पिता, जो भी फैमिली मेंबर है, वो भौतिक वस्तु कुछ खरीदने वाले हैं, कोई वाहन, टीवी, लैपटॉप या कोई मोबाइल, कोई भी भौतिक वस्तु आप अक्टूबर के महीने में आपका फैमिली मेंबर खरीदने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चौथी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो उसका संबंध है उन लोगों पे जिन वृश्चिक राशि वालों की संतान है, तो संतान भाव के स्वामी भाई रोगेश भाव में चले गए हैं गुरु, तो कहीं ना कहीं 14 दिन संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेंगे। 14 दिन उनको निमोनिया रह सकता है, पेट की परेशानी रह सकती है, संतान गुस्से और चिड़चिड़ेपन में आकर कोई नुकसान आपका कर सकती है, कोई टीवी तोड़ सकती है, कोई नुकसान कर सकती है, ऐसे न्यूज़ कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में नज़र आएंगे। तो ये 14 दिन बड़ी संतान और छोटी संतान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान कर सकती है। 15 तारीख से लेकर और 30 अक्टूबर तक बिल्कुल नॉर्मल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि का 17 दिन तो भाई अक्टूबर का चाहे संतान पक्ष हो, चाहे धन पक्ष हो, चाहे हेल्थ पक्ष हो, तो ये 17 दिन थोड़े भारी हैं। आप बात कर लेते हैं पांचवी घटना के बारे में, तो वो विद्यार्थियों के बारे में हैं, यानी स्टूडेंट के बारे में। पूरा महीना देखा जाए तो विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, कोई वस्तु चोरी हो सकती है, किसी वस्तु की हानि हो सकती है, गलत काम में मन लग सकता है, कोई दोस्त आपको गलत काम में फंसा सकता है, लगा सकता है, तो दोस्तों से सावधान रहें। कोई दोस्त अगर आपको बोलता है कि गलत काम में कर ले, तो उस व्यक्ति से बचना है, मन में आपको कंट्रोल रखना है, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना है, याद रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक, रोडीज और बिग बॉस विनर, और आज मैं आया हूँ गुरुजी के पास, गुरुजी के सानिध्य में, एस्ट्रो आज में। और आज मैंने गुरुजी से अपनी जन्मपत्री बनवाई है और बहुत सी जो समस्याएं थी उनका समाधान मुझे आज फाइनली मिल चुका है। तो आपको भी अपनी लाइफ में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो गुरुजी से एक बार सलाह अवश्य लें। ये मेरी पर्सनल राय है आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी होगा। थैंक यू। आप छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना का असम्मान उन लोगों से जो नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल और गुरु का अक्टूबर के महीने में सम सप्तक योग बन रहा है, यानी मंगल और गुरु आमने सामने एक दूसरे को देखने वाले हैं, यानी इससे पता चलता है कि वृश्चिक राशि का अक्टूबर के महीने में ऑफिस के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, सीनियर में फेरबदल होने वाली है, नया प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, आपके धन और पद में वृद्धि होने वाली है, नए जॉब के आपको ऑफर मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के नौकरी से या करियर से संबंधित अक्टूबर का महीना भाई आपके लिए तो लाभकारी रहने वाला है, या तो आपको पद का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, या नए प्रोजेक्ट का लाभ होगा, और कुछ वृश्चिक राशि वालों को नए जॉब के ऑफर मिल जाएंगे और आपको ले लेने चाहिए। ये जो सम सप्तक योग मंगल और गुरु का बन रहा है, ये आपके लिए बड़ा जैकपॉट की तरह काम करेगा। अगर आपको ऐसा ऑफर आता है तो तुरंत ले लें। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, ये सातवीं घटना है। तो दाम्पत्य जीवन के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं और वो मालव्य योग बना रहे हैं, तो अक्टूबर का महीना प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी, उनके लिए वंडरफुल रहेगा, प्रेम ही प्रेम बरसने वाला है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है आप पे आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत सारा खर्चा करने वाला है, आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई वस्त्र, कोई ऑर्नामेंट आपको सरप्राइज देने वाला है। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में भी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यानी पार्टनर को खूब सारा पद या धन का लाभ होने वाला है अक्टूबर के महीने में। पार्टनर को कोई बड़ा गिफ्ट भी उनके परिवार से मिलने वाला है, या आप ही देने वाले हैं, एक दूसरे को आप गिफ्ट देने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो कहीं देखा जाए तो पार्टनर के साथ में किसी फैमिली फंक्शन में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है अक्टूबर के महीने में, यानी शादी, विवाह या किसी धार्मिक फंक्शन में आपको जाना पड़ सकता है। और पार्टनर के करियर में पद धन का लाभ होता हुआ अक्टूबर के महीने में नज़र आ रहा है।
प्रेम और सौहार्द बढ़ने वाला है, एक दूसरे पे आप बिलीव करने वाले हैं, एक दूसरे को अक्टूबर के महीने में सपोर्ट करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ये मालव्य योग बन रहा है तो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपके प्रेम को बढ़ाने वाला है, आपके प्रेम में चार चांद लगाने वाला है अक्टूबर का महीना। अब आठवीं घटना के बारे में बात करें तो आठवीं घटना का संबंध उन पे है जो दुकान चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं। तो देखा जाए तो व्यापार भाव में भी अक्टूबर के महीने में मालव्य योग बन रहा है, यानी पूरा अक्टूबर का महीना काम में तेजी रहेगी। कोई बड़ी कंपनी से आपकी बड़ी डील हो सकती है, बड़ा टाइप हो सकता है, बस आपको मिलने जाना है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप बिजी ज़्यादा रहेंगे तो हो सकता है कि मीटिंग में आप टाइम ना निकालें तो गलती करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी आपको मीटिंग के लिए बुलाए, आप मिलने के लिए जरूर जाएं, बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, बड़े टाइप या बड़ा डील आपको मिल सकती है, याद रखिएगा। नौवीं घटना के बारे में बात करें, सूर्य मंगल और बुध कहीं ना कहीं लाभ भाव में आपके बैठे हैं। तो देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में माता पिता को किसी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, सरकारी रुका हुआ काम आपके माता पिता का बन सकता है, सरकारी रुका हुआ फंड माता पिता को मिल सकता है, या लक्की ड्रॉ का कोई लाभ आपके माता पिता को मिल सकता है, और माता पिता की नदी पहाड़ों की यात्रा भी अक्टूबर में मिली है। तो कुल मिला के माता पिता को कुछ ना कुछ गेन अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। तो ये नौ घटनाएं अक्टूबर में वृश्चिक राशि वालों के साथ होने वाली है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।